फरीदपुर लावदोहा थाना व ईसीएल के पांडवेश्वर क्षेत्र अंतर्गत प्राइवेट कंपनी संचालित पैच ओसीपी में कोयला चोरी करने के दौरान हुई धसान से चार लोगों की हुई मौत, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर इलाके में हलचल मची हुई है। मृतकों में श्यानल बाउरी, आनाहरी बाउरी, नाटवर बाउरी और पिंकी बाउरी शामिल है। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए पैच प्रबंधन, सीआईएसएफ, ईसीएल के सिक्योरिटी विभाग और स्थानीय थाना को जिम्मेदार ठहराया। पांडवेश्वर क्षेत्र के महाप्रबंधक किशोर कुमार ने कहा कि जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां माइनिंग ऑपरेशन नहीं चल रहा था। डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता ने कहा कि घटना की जाँच की जा रही है। पाँच जन चापा पड़े, पुलिस तत्न स्पटे पहुँचे खबर पे एकजना को उद्धार कर हॉस्पिटल पाठिए और बाकी चार जन के मारा गए तक पोस्टमार्टम हॉस्पिटल पाठाना हमारे देखी जैसे मानुषगलो क्षतिपूरण पाए तेज़ सहाज्य करा जाए आर्थिक सहाज्य करा जाए देखी। इसीएल चालू पैच खोला मुखनीटा इसीएल रानिंग তাও মানুষ ঝুঁকে পড়ছে কয়লা চুরি করবার জন্য। ইসিএল তো শুধু উৎপাদন আর উৎপাদন ছাড়া অন্য কিছু দেখছে না। হ্যাঁ, এর চারদিকে কাঁটা তার দেওয়া উচিত ছিল, আরো বেশি সংখ্যক সিকিউরিটি রাখা উচিত ছিল, হ্যাঁ, যাতে মানুষ নামতে না পারে।